हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था फिरोमोन्स व उसके कार्य। आज उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्तनियों में फिरोमोन्स व व्यवहार को। देखो, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणियों में अनेक फिरोमोन्स स्रावित होते हैं। स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें अनेक फिरोमोन्स जो होते हैं वो स्रावित होते हैं, ठीक है। और जो ये फेरोमोन्स जो होते हैं वो उनके व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें अनेक प्रकार के फेरोमोन्स जो होते हैं वो स्रावित होते हैं, जो स्तनधारी प्राणियों की व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो नंबर एक पर आता है मनुष्य जो होता है, मनुष्य के पसीने में कुछ फिरोमोन्स पाए जाते हैं। मनुष्य के पसीने में क्या पाए जाते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, नर को मादा की ओर आकर्षित करते हैं, नर को मादा की ओर आकर्षित करते हैं और मादा को नर की ओर आकर्षित करते हैं। मानव के पसीने में क्या पाए जाते हैं, कुछ फेरोमोन्स पाए जाते हैं जो नर को मादा की ओर और मादा को नर की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन फेरोमोन्स के कारण ही विशिष्ट प्रकार के गंधयुक्त साबुन बनाए जाते हैं, गंधयुक्त साबुन पाउडर और परफ्यूम जो है वो बनाए जाते हैं। वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं, मनुष्य के पसीने के द्वारा जो मतलब कि फेरोमोन स्रावित होते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एक छात्रावास, में रहने वाली जो लड़की होती है उसका मासिक चक्र क्या हो जाता है, समकालिक हो जाता है। और ऐसा वो क्यों होता है, समकालिक हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़की जो होती है उसके शरीर में विशेष प्रकार के फेरोमोन्स स्रावित होते हैं। और यदि लड़की को, मतलब कि जो लड़की है ये मादा है, इसको यदि नर से यदि इनको पृथक रखा जाता है तो इनका मासिक चक्र अनियमित होता है, अंत में क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्यों होता है, देखो, एक छात्रावास में रहने वाली जो लड़की होती है उसका मासिक चक्र समकालिक होता है, और समकालिक हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़की के शरीर से विशेष प्रकार के फेरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और यदि लड़की को या फिर मादा को नर से पृथक रखा जाता है तो मासिक चक्र अनियमित होकर क्या हो जाता है, अंत में बंद हो जाता है। उसके बाद नंबर तीन, डब्ल्यू के व्हिटन। इसने क्या किया कि जो मादा चूहे होते हैं, इनको नर चूहों से पृथक रखा, पृथक रखा है काफ़ी दिनों तक। जब मादा चूहों को इन नर चूहों से क्या रखा जाता है, अलग रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, तो इन मादा चूहों का
रज चक्र जो होता है, इन मादा चूहों का रज चक्र अनियमित होकर अंत में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इन मादा चूहों का रज चक्र अनियमित होकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब वापस से इन मादा चूहों को नर चूहों के साथ में रखा जाता है, वापस से मादा चूहों को नर चूहों के साथ रखा जाता है, तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो क्या करती हैं मादा चूहें, इन नर चूहों के प्रति आकर्षण प्रदर्शित नहीं करती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समय गुजरता है, तो मादा चूहे नर चूहों की ओर क्या होती हैं, धीरे धीरे आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। और इन मादा चूहों का रज चक्कर धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रारंभ होकर क्या हो जाता है, नियमित हो जाता है। ये सारे के सारे कार्य किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं फेरोमोन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है ब्राउनसन और मर्सिडेन, ब्राउनसन और मर्सिडेन, इनके अनुसार ब्राउनसन और मर्सिडेन ने क्या किया, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर, चीता, लोमड़ी, इनके क्या किया, इनके योनि स्राव में मतलब कि क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर, चीता, लोमड़ी, इनके योनि स्राव में क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो नर है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर, चीता, जो लोमड़ी, इनका जो नर है वो क्या करता है, इस योनि स्राव को सूंघता है। और जिसके कारण नर जो होता है, नर में मैथुन की क्रिया जागृत होती है, नर में मैथुन की क्रिया क्या होती है, जागृत होती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है कापुलिन, कापुलिन, कापुलिन ने जो मादा रिसस है, मादा रिसस बंदर जो है उसके योनि स्राव से फेरोमोन्स को क्या किया, पृथक किया, अलग किया, एक विशेष प्रकार के फेरोमोन्स को क्या किया, पृथक किया, ठीक है। मानव जो है, मानव की मादा जो होती है, मानव की जो मादा होती है उसके योनि स्राव में भी क्या होते हैं, विशेष प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं। मादा के योनि स्राव में भी क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण नर जो होता है, नर में मैथुन की क्रिया क्या होती है, जागृत होती है। ये सारे के सारे कार्य फेरोमोन्स जो है उसके ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरोमोन्स के कार्य की। ये तो हो गया कि स्तनधारियों में, कौन कौन से स्तनधारियों में कहाँ कहाँ पर क्या होते हैं फेरोमोन्स होते हैं, कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, फेरोमोन्स के कार्य। देखो फेरोमोन्स जो होते हैं, मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें बताया था फेरोमोन्स रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं। कोई भी एक लिंग का प्राणी फेरोमोन्स स्रावित करता है और उसका जस्ट अपोजिट प्राणी क्या करता है, उसको मतलब कि ग्रहण करता है, ठीक है। तो फेरोमोन्स जो होते हैं वो विशेष जाति के प्राणियों में अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कि नंबर एक पर लैंगिक व्यवहार जो है उसको प्रेरित करना, लैंगिक व्यवहार को क्या करना, प्रेरित करना। नंबर एक पर क्या आता है, लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करना।
उसके बाद नंबर दो, प्राणी जो है वो क्या करता है, अपने आवास की पहचान करता है फेरोमोन्स के कारण। आवास की पहचान किसके कारण होती है, फेरोमोन्स के कारण होती है। नंबर तीन, शत्रुओं से रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना, फेरोमोन्स के कारण क्या करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। क्योंकि जब भी मतलब कि युद्ध की स्थिति होती है तो प्राणी क्या करते हैं, फेरोमोन्स को स्रावित करते हैं, जिसके कारण उस जाति के प्राणी एक जगह पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। नंबर चार, सोने व बैठने के स्थान जो है उसकी पहचान करना, सोने व बैठने के स्थान की पहचान करना। नेक्स्ट नंबर फाइव, जीवों के परिवर्धन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है फेरोमोन्स का। और ये परिवर्धन में कैसे हैं, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में परिवर्धन की में है ना। देखो, एशियाई जो हाथी है, एशियाई मूल का जो हाथी है वो क्या करता है, जब मतलब कि वो किशोर अवस्था में आता है, मतलब कि जब वो वयस्क अवस्था में आता है, जवान होता है, युवा होता है, तो क्या करता है, जब ये ऐसे हाथी मतलब कि युवा होता है, किशोर होता है, तो अपने किशोर होने का मतलब कि युवा होने का, या एक तरीके से बोलें कि अपने जवान होने का प्रचार प्रसार करता है कि मैं जवान हो गया हूँ। इसलिए वो क्या करता है, वो एक विशेष प्रकार की गंध जो है, विशेष प्रकार की गंध को स्रावित करता है। और ये जो गंध होती है यही वास्तव में क्या होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं। और इस गंध में शहद के जैसी सुगंध आती है, ये गंध कैसी होती है, शहद के जैसी होती है। मैंने बोला है नंबर पाँच पर परिवर्धन में, और परिवर्धन में नंबर एक पर एग्जांपल में हम बात करते हैं कि जो एशियाई हाथी होते हैं वो जब युवा होते हैं तो अपने युवा होने का प्रचार प्रसार एक विशेष प्रकार की गंध से करते हैं। और ये जो गंध होती है यही वास्तव में क्या होती है भैया, फेरोमोन्स होती है। और ये जो गंध है वो किसकी जैसी होती है, शहद जो होता है, शहद के जैसी इसमें क्या आती है, गंध आती है। इसके बाद इसमें नंबर दो, अफ्रीकन जो हाथी होते हैं जब ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, अफ्रीकन हाथी जब युद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, युद्ध करने से पहले जो अपनी सूंड होती है उस सूंड को क्या करते हैं, जमीन से रगड़ते हैं, सूंड को क्या करते हैं, जमीन से रगड़ते हैं। वो इसलिए रगड़ते हैं ताकि जो टेम्पोरल ग्रंथि होती है हाथी में, जो टेम्पोरल ग्रंथि होती है उससे क्या होता है, फेरोमोन्स का स्राव होता है। इस टेम्पोरल ग्रंथि से किसका स्राव होता है, फेरोमोन्स का। और इस फेरोमोन को सूंघकर हाथी में आक्रामकता उत्पन्न होती है। इस फेरोमोन्स को सूंघकर हाथी में क्या होती है, आक्रामकता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अफ्रीकन हाथी युद्ध करने से पहले अपनी सूंड को क्या करते हैं, जमीन पर रगड़ते हैं, जिससे टेम्पोरल ग्रंथि से फेरोमोन्स का स्राव होता है। और फिर उस फेरोमोन्स को जैसे वो सूंघते हैं तो उसमें आक्रामकता उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी प्रकार नंबर तीन, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनके मल मूत्र में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इनके मल मूत्र में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। और वो गंध किसके कारण होती है, फेरोमोन्स के कारण। क्योंकि इनके मल मूत्र में क्या होता है, फेरोमोन्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट, शेर जो है, शेर के यूरिन में, मूत्र में
टिग्रीमेन फेरोमोन्स पाया जाता है, टिग्रीमेन। शेर के मलमूत्र, सॉरी, शेर के जो यूरिन होता है मूत्र, उसमें टिग्रीमेन क्या पाया जाता है, फेरोमोन्स पाया जाता है। नेक्स्ट, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, जब इनसे शिशु उत्पन्न होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनसे जब शिशु उत्पन्न होता है तो वे शिशु को क्या करते हैं, शिशु को चाटकर, शिशु को चाटकर मतलब कि क्या करते हैं, एक लार जो होती है, लार का लेप लगा देते हैं पूरे शरीर पर। शिशु को चाटकर उनके पूरे शरीर पर क्या करते हैं, लार का क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। क्योंकि लार में क्या पाए जाते हैं भैया, फेरोमोन्स पाए जाते हैं जो मातृत्व प्रेम व दुग्ध श्रावण को प्रेरित करते हैं, जो दुग्ध श्रावण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मादा जो चूहा होता है, मादा चूहा वो क्या करता है, वो अपने जो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, यानी कि उनको बोला जाता है चुचुक, चुचुक, उनको क्या करता है, चाटकर गीला कर देता है। मादा जो चूहा होता है वो क्या करता है, अपने चुचुक को चाटकर गीला कर देता है, जिसके कारण जो शिशु जो होते हैं उस शिशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि मादा के जो चूहे होते हैं उनकी लार में क्या पाए जाते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। मादा चूहे की लार में क्या होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं। मादा चूहे की लार में क्या पाए जाते हैं भैया, फेरोमोन्स पाए जाते हैं, जिससे जैसे ही वो लार को किसके लगाएगा, चुचुक के लगाएगा, तो शिशु क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि शुरुआत के दिनों में चूहे के जो शिशु होते हैं वो नेत्रहीन, यानी कि मतलब कि उनके नेत्र क्या होते हैं, बंद होते हैं, नेत्रहीन होते हैं। शुरुआत में जो मादा, सॉरी, शुरुआत में जो शिशु जो होते हैं, चूहे के जो शिशु होते हैं वो कैसे होते, शुरुआत में नेत्रहीन होते हैं। इसलिए मादा चूहा क्या करती हैं, अपने मतलब कि जो लार होती है, लार से अपनी चुचुक को चाट कर गीला कर देती है। लार में क्या पाए जाते हैं, फेरोमोन्स, और जैसे ही वो लार चुचुक के लग जाती है तो इसके जो शिशु होते हैं वो क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, छोटा सा टॉपिक है, फेरोमोन्स जो है उसका पृथक्करण, ये हो गया इसके कार्य। पृथक्करण का मतलब कि उसको कहाँ कहाँ से पृथक किया गया है, किस किस प्राणी में, ठीक है। देखो हम इसमें बात करते हैं फेरोमोन्स का पृथक्करण। फेरोमोन्स का पृथक्करण देखो, सबसे पहले 1959 में एक साइंटिस्ट था यामामोटो। सबसे पहले 1959 में यामामोटो नामक वैज्ञानिक ने पेरी पलेगिना अमेरिकाना की जो मादा होती है, पेरी पलेगिना अमेरिकाना की जो मादा होती है, उस मादा का जो शरीर है उससे
फेरोमोन्स को क्या किया, पृथक किया। सबसे पहले 1959 में यामामोटो नामक वैज्ञानिक ने पेरी पलेकिना अमेरिकाना की जो मादा होती है उसके शरीर से फेरोमोन्स को क्या किया, ठंडा कर, मतलब कि उसे पृथक कर, यानी कि ठंडा करके उसे क्या किया, पृथक किया, यानी कि फेरोमोन्स को उसके शरीर से क्या किया, ठंडा कर द्रव अवस्था में उसे क्या किया, अलग किया। द्रव अवस्था में क्या किया, उसे अलग किया, ठीक है। उसके बाद 19 और जो ये द्रव जो था इसका नाम क्या था, इस द्रव का नाम, यानी कि जो पेरी पलेकिना अमेरिकाना की मादा जो है उससे जो द्रव जो है, यानी कि जो फेरोमोन्स उसको कलेक्ट किया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था 2-2-डाइमिथाइल। थ्री आइसोप्रोपीनोइट प्रोपीनोइक अमल, ये इसका नाम था 2-2-डाइमिथाइल-3-आइसोप्रोपीनोइट-साइक्लोप्रोपीलीन-प्रोपीनोइक अमल, ये इसका क्या था, नाम इस द्रव का। और ये जो फेरोमोन्स है वो क्या करता है, नर को मादा की ओर आकर्षित करता है। इस नर को क्या करता है, मादा की ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार से 1959 में बोम्बिक्स जो मोराई है, बोम्बिक्स मोराई, उससे बोम्बिकोल जो फेरोमोन्स है उसको क्या किया था, पृथक किया था। बोम्बिकोल फेरोमोन्स को क्या किया, पृथक किया था। उसके बाद जिप्सी मोथ से, जिप्सी मोथ से जिप लुयर फेरोमोन्स जो है उसको पृथक किया गया। उसके बाद में मैंने आपको एक पहले बताया था, रानी मधुमक्खी उसकी जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है उसके द्वारा एक फेरोमोन्स जो है वो क्या होता है, स्रावित होता है। उसका नाम क्या है, 9-कीटो-2-डेकोनोइक अमल, इसको क्या किया, पृथक किया अमल, इसको क्या किया, पृथक किया। और ये जो है 9-कीटो-2-डेकोनोइक अमल, ये क्या करती है, संपूर्ण छत्ते पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसके अलावा रानी दीमक उसका जो गुदा वाला भाग होता है, कार्पोरा एलिटा, इससे ज्वेनिबुल जो फेरोमोन्स जो है, हार्मोन्स है, उसका स्राव होता है। इस हार्मोन्स का स्राव होता है रानी जो दीमक है उसकी गुदा भाग कार्पोरा एलिटा से।
जवे नीबुल हार्मोन का स्राव होता है जो फेरोमोन्स की तरह ही कार्य करता है और जो संपूर्ण कॉलोनी जो होती है दिमाग की जो संपूर्ण कॉलोनी जो होती है उसके ऊपर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल जो है वो कौन करती है, यही फेरोमोन्स जो है ज्वेनिबुल ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इन तरीके से इन प्राणियों से फेरोमोन्स को क्या किया गया, पृथक किया गया। ठीक है।